नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों धान के खेतों से शुरुआत हो रहा है और इधर धान का खूबसूरती देख के तो मन एकदम पूरा गदगद हो गया। देखिए कितना अच्छा धान है, पूरा पूरा लेबल से, और बस कुछ ही दिनों के बाद में धान पक जाएगा। बहुत ही मस्त है। ये वाला धान तो मेरा नहीं है, इससे थोड़ा बगल वाला है, तो सेम इसी तरह है, सेम सेम। तो अभी जा रहे हैं पोखरा की तरफ। भैया बोले हुए हैं कि थोड़ा उसमें कूड़ा कचड़ा हो गया है, मछली थोड़ा बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो भैया बोले हुए हैं कि चलिए थोड़ा साफ़ कर दीजिए। तो हम खाना खा कर ऐसे बैठे हुए थे तो सोचे कि चलिए थोड़ा मदद कर देते हैं, जब मछली बढ़ेंगे तो मछली ज़रूर खिलाएंगे, इसलिए चल दिए। और ये साल तो हमारे यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा, सभी का धान एकदम मस्त है। ये देखिए किसी का धान उपजाऊ में कमी नहीं हुआ है। और आनंद भतीज भी हैं तो आगे चल गए हैं, चलिए देखते हैं। और पहले से उन लोग आए हुए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी। देखिए ये सब हाइब्रिड है, हाइब्रिड धान तो और ही मस्त एकदम। थोड़ा महंगा मिलता है इसका बीज, और बोरी वाला थोड़ा सस्ता मिलता है। और ये महुआ का पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़, लेकिन अपने आप सूख गया। और एक ठो वहाँ पर सूखा हुआ है। देखिए पहले का पुराना पेड़ है ना, ये सब सभी धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है। और ये सब जितना देख रहे हैं सब महुआ का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है। अधिकतर महुआ का पेड़ बड़ा बड़ा दिखने को मिल रहा है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ दूसरे जगह देखने को नहीं मिलता है। चलिए चलते हैं, देखिए क्या ही मस्त। और पोखरा पहुंच गए और यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं, बहुत पूरा झाड़ी हो गया है। पहले इन लोग साफ किए हैं एक बार, लेकिन फिर हो गया ना। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा बाझल पूरा बच गया है एकदम, कितना सा निकाले हुए हैं सुबह से लगे हुए। और यहाँ कमल का फूल का भी, ये देखिए ये सब, इसका कौन वाला खाता है भतीजी वाला, कमल का फूल फर ये वाला ना, ये वाला फूल, ये वाला देखिए, ये वाला को खाया जाता है शायद। ये देखिए फल, देखिए बहुत ही ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा बीज है इसमें। ये बीज को मतलब सब्जी बनता है पता नहीं कौन वाला खाते हैं, हमको भी पता नहीं, लेकिन लेकिन बहुत ही ज़्यादा है इधर। और भी है देखिए ये वाला। तो दोस्तों पूरा बीच पोखरा में आ गए हैं और भतीजा भी वीडियो शूटिंग करते हुए आ रहे हैं, वो भी बीच है ना। देखिए इतना इतना पानी है, मेरा भी इतना हो रहा है। हाँ, और इतना से साग तोड़ लिए, देखिए मस्त एकदम। ये वाला तो खाने के लिए हो जाएगा अब। हाँ आगा आगा मिल के खाएंगे, है ना, बनाएंगे अच्छा तरीका से और खाएंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर में चलते हैं, तो ऊपर में हम लोका जाते हैं सो भी सकते हैं, सोच के देखिए मतलब जाने नहीं देता है, इतना लगता है कि इधर घुसेगा ही नहीं अंदर, लेकिन ये देखिए पीछे से फिर ऊपर उठ जा रहा है, उठ जा रहा है। देखिए सांप ऊपर होगा नहीं, तो सांप ऐसे जगह में होते हैं, किनारे में होते हैं, वैसे बीच में नहीं रहते हैं। चलिए फटाफट तोड़ते हैं। हाँ फटाफट तोड़ते हैं एकदम, और यहाँ उठाना भी अभी। हाँ हाँ मदद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया का। हाँ इतना हो जाएगा, चलिए चलिए अब निकलते हैं। देखिए उन लोग तीन आदमी हैं, हम लोग दो, पांच हो गए, पांच यहाँ तो चलने नहीं सक रहे हैं, बाहर आइए बाहर, बाहर निकलते हैं ना। कलमी साग बोलते हैं इसको, देखिए इधर बहुत झाड़ा होने लगा है, वहाँ पे लोका जाते थे और यहाँ पूरा छाती भर के पूरा घेर लिया। और ये सब कमल फूल है छोटा छोटा, तो बढ़ने नहीं दिया क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है, इसलिए पूरा पोखरा में हो गया। चलिए इसको उठा कर रखते हैं, फिर इधर काम कर देंगे।
तो यहाँ देखिए घोंघी मिल रहा है, कहाँ है यार तो। ये देखिए हाथ में रखा घोंघी, बहुत सारा घोंघी। इसका भी मतलब मस्त एकदम स्वादिष्ट लगता है मांस इसका। हाँ, जिसका आँख का रोशनी कम होता है ना, हाँ, उनको खिलाने से आँख का रोशनी बढ़ता है। अच्छा चलिए, ये भी बहुत ही मतलब देखिए बहुत सारा मिल रहा है। पानी के अंदर तो और है लेकिन यहाँ निकल जा रहे हैं, भाई निकाल निकाल के भी छाट रहे हैं। बहुत ही ज्यादा है, चलो देखिए इतना सारा इकट्ठा हो गया एकदम पूरा यहाँ पे, और किनारे किनारे रहने देंगे ताकि मछलियों का रहने का जगह अच्छा सुरक्षित रहेगा, नहीं तो दूसरे कोई ले जाएंगे। बहुत कोई चोरी करते हैं गांव में, जाल फेंक, और गांव से दूर में है ना, इसलिए किनारे किनारे रहने देना है। और यहाँ बांस ला के दिया हुआ रहेगा पूरा 4-5 ठो, फिर कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे पहले ना कुंबा बना के रहते थे, झोपड़ी कहाँ चौरका मछली, चौरका कहाँ दिखाई क्या ये? अच्छा ऐसे ही वाला मछली हम पकड़ते उधर जंगल में, फेंक दे पानी में के रखने दे, दे दीजिए उधर तैरेगा पानी में छोड़ दे। हाँ ये मछली ना टाड़ में भी दौड़ने वाला मछली है। ये देखिए देखिए चौरका चौरका, ये देखिए देख 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 किधर जा रहा है। इस सब पानी नहीं चाहिए, पानी चाहिए लेकिन ये अपने आप ढूंढ लेगा पानी, देखिए कैसे तड़प के भागता है। लोग पानी में भी जिंदा रहते हैं और टाड़ में भी जिंदा रहते हैं, जिंदा ज़्यादा देर नहीं रहेंगे वो, पानी अपने आप ढूंढ लेंगे, तो जिधर पानी रहेगा वो जान जाते हैं इन लोग और चले जाते हैं। चलिए फिर से जा रहे हैं थोड़ा सा और ये घोंघी भी इतना सारा हो गया। चलिए बहुत ही फायदे वाला चीज़ है घोंघी, अच्छा लगता है खाने में भी। उन लोग उधर से लाएंगे, हम लोग यहाँ पे घींच के निकालेंगे इधर का। और इधर देखिए इधर पहाड़ का नज़ारा, सामने में पहाड़ पछले दीजिए। दीजिए तो दीजिए तो एक बार अभी डर लगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस देखते हैं थोड़ा। देखिए दे दे, हाँ दे दे, हाँ दीजिए। ये देखिए चलिए प्रैक्टिस देखिए, ये देखिए पछली मैं भी देखो, हाँ जानते हैं दीजिए, हम तो नहीं जानते हैं, पीछे पीछे तरफ घूमने नहीं जानते। ये देखिए जानते हैं पूरा हिम्मत हो रहा लेकिन जानते हैं तो फिर दीजिए, यहाँ तो लगेगा नहीं, बेधड़क दीजिए। जय श्री राम। नहीं पार हो जाए, हमारा दिल में डर लगे गया नहीं। चलिए काट के ले आए, अब हम लोग यहाँ उठाएंगे। नीचे पकड़िए, उठेगा नीचे पकड़िए, चलिए। चलिए और एक बार, चलिए वाला एक बार में उठ गया लेकिन ऐसे ही उठता तो तुरंत हो जाएगा। चलिए तक उधर कटिंग हो रहा है तब तक आराम कीजिए। हम लोग गांव के लोग हैं, कहीं भी चले जाते हैं बात सही। बहुत लोग कमेंट करके देखिए वहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि तुम लोग तीन टाइम कैसे चावल खाता है, तो ये सब काम कीजिए, देखिएगा तीन टाइम क्या पांच टाइम खाइएगा चावल। हाँ और ये देखिए दोस्तों एक तो केकड़ा भी निकल गया है, इधर 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 कीजिए, ये देखिए पकड़िए तो वो ऐसे पकड़ा जाता है। काट लिया तो बड़ा बड़ा दांत भी है, काटा तो काटा तो नहीं काटेगा तो इतना छोटा। चलिए दोस्तों छोड़ देते हैं, अब जाएगा ये देखिए अपना घर जाएगा, जा इधर से जाओ आराम से।
पानी की तरफ। इधर आएगा मेरे हाथ में, आओ। देख रहा आँख में देखता है एकदम बड़ा बड़ा। देखिए गाइस पकड़ लिए, ये देखिए लीजिए। झांप दे दिया। नहीं काटेगा, इतना छोटा है। तालाब बीचों बीच साफ हो गया, ये देखिए। और किनारे किनारे रहने दिए अभी, ताकि कोई मछली नहीं ले जाएगा। और बीच में बांस ला के दे देंगे अभी। चलिए चलिए साग उठा लेते हैं। ये कलमी साग, इतना सा यहाँ पे ले लेते हैं। बहुत दिन एक रखल लग गया खीर में, हम तो आज के लग काम कर। बहुत सारा झाड़ी हो गया है, देखिए ये काटते हुए जा रहे हैं। इधर देखिए अभी धूप अभी पूरा मस्त है एकदम। इस डराम में नहा धो के फ्रेश हो गए, अब चलते हैं घर। और यहाँ पे देखिए टांगी को धार कर रहे हैं अभी, बहुत मोटा हो गया है इसलिए थोड़ा रेत लगाना पड़ रहा है, नहीं पत्थर में भी हो जाता है। और ये देखिए भैया भी नहा धो के तैयार हो गए ना। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा था इसलिए। और सूरज अभी खाना खाने जा रहा है, नया अचार का डब्बा खरीदे हुए हैं। साग को यहाँ रख दिए, कलमी साग। और अभी जंगल जाने का तैयारी कर रही है। सूखा लकड़ी, सूखा लकड़ी लाने जा रही है। साथी था ना, वो सब चला गया ना सूरज। बकरी सभी इधर खुटा हुआ है, ले चलते हैं उधर ऊपर मैदान के तरफ। अरे बकरियों को खोल लिए, बकरियों को खोट दिए। यहाँ पे देखिए चर रहे हैं मस्त। और इधर और भी बकरियाँ चर रही है, खुला ये सब। हम लोग खुला छोड़ देते हैं ना, दौड़ के घर चल जाती, इसलिए रस्सी लगा देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।